सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस रूल के बारे में। अगर आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हो और उसमें फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको रूल भी सेट होना प्रॉपर ज़रूरी है। अगर प्रॉपर सेट नहीं होगा तो आपका डाटा लीक हो सकता है, नहीं तो हैक भी हो सकता है। तो इसीलिए गाइज, आपको फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस का रूल सही से सेट करना होगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में अगर रूल में रीड और राइट दोनों ट्रू होता है तो इस तरीके के एरर आता है। तो कैसे ये प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे? तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए कोई एक आप फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टेप्स कम्प्लीट करना होता है। तो ये सब कुछ जैसे आप कम्प्लीट कर देंगे तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट जब तक आपका यहाँ पर बन जाता है तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। तो गाइज, यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट जैसे बन जाएगा तो बिल्ड के अंदर आके यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करके हम एक रियल टाइम डाटाबेस का सेटअप करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे दो मोड आपको मिलता है, लॉक मोड और टेस्ट मोड। टेस्ट मोड बेसिकली 30 डेज के लिए रहता है और ये जो लॉक मोड होता है तो इसको हमने इनेबल करके फायरबेस का सेटअप करते हैं। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे इनेबल करेंगे तो हमारा फायरबेस का सेटअप तो बन जाएगा, लेकिन रीड एंड राइट दोनों यहाँ पे फॉल्स रह जाता है। अगर ये फॉल्स रहेगा तो यूजर को ना डाटा दिखेगा ना आप एडमिन के थ्रू से डाटा अपलोड कर पाएंगे। तो ये दोनों को अगर हमने फॉल्स को हटा के अगर ट्रू करेंगे, तो गाइस रीड को हमने ट्रू कर लिया तो यूजर को डाटा दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे राइट को भी हमने ट्रू करेंगे तो एडमिन के थ्रू से हम डाटा अपलोड कर पाएंगे। तो उसके बाद पब्लिश करना होता है। तो जैसे ही पब्लिश करूँगा तो गाइज यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक एरर आ गया, योर सिक्योरिटी रूल आर डिफाइंड एज पब्लिक सो एनीवन कैन स्टील मॉडिफाई और डिलीट इन योर डाटाबेस। तो आपका डाटा कोई स्टील कर सकता है नहीं तो मॉडिफाई भी कर सकता है, हैक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर रूल यहाँ पे सेट करना होगा। ये कैसे रूल सेट करेंगे इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल पर आ जाइए तो hindi.wapots.com आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज मिल जाए, सॉरी पोस्ट मिल जाएगा, इसी पोस्ट को आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पोस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे फायरबेस रियल टाइम का रूल शो होगा। तो इसी रूल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपका फायरबेस का जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से जितने भी टेक्स्ट होगा आपको यहाँ हटा देना होगा और जो टेक्स्ट आप वहाँ से कॉपी किए थे वेबसाइट से यहाँ पे पुट करके पब्लिश कर देना होगा। गाइस देख सकते हो, जैसे ही हमने पब्लिश कर दिया तो वो एरर हट गया, ठीक है। वो एरर हट जाता है, इसका मतलब है आपका रूल सिक्योर है, ठीक है। तो गाइज सेम तरीके से जितने भी आपका अकाउंट बने होंगे, जितना भी आपका बेस है फायरबेस में, वो सबके अंदर आपको इस तरीके से रूल सेटअप कर लेना होगा। अगर इस तरीके से सेटअप कर लेते हो तो आपका जो डाटा रहेगा वो सिक्योर रहेगा, आपका डाटा को कोई हैक नहीं कर सकता है ना आप कोई मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर गाइज अब फायरबेस रूल को सेटअप सही से नहीं करेंगे तो आपके पास मेल भी आता है, वो मेल बार बार भी आता रहता है, ठीक है। एक दिन दो दिन के बाद ऐसे मेल भी आएगा। तो जैसे आप ये रूल को सेटअप करेंगे तो वो मेल आना भी बंद हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को सेटअप कर सकते हो आपका फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस अकाउंट के लिए। मैं फिर से बता देना चाहूँगा, अगर यहाँ पर रीड ट्रू और राइट ट्रू रहेगा तो यूजर डाटा दिखेगा और एडमिन के थ्रू से आप डाटा अपलोड कर पाएंगे। अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो यूजर ना डाटा दिखेगा ना आप अपलोड कर पाएंगे। सो गाइज, वीडियो का एंड में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।